बिल का समर्थन करें। धन्यवाद। जय हिंद। ऑनरेबल श्री देवू सिंह चौहान जी। धन्यवाद माननीय उपाध्यक्ष जी। आपकी अनुमति से मुझे इंटरव्यू करने का मौका मिला है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय उपाध्यक्ष जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार का हमेशा ये आग्रह रहा है कि देश की जनता के लिए ईज ऑफ लिविंग हो, बिजनेसमैन के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो। इस देश की प्रगति में हर सिटीजन अपना कंट्रीब्यूट करे और इसी के चलते यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे काबिल MOC आदरणीय अश्विनी जी वैष्णव जी के मार्गदर्शन में हमारे मिनिस्ट्री ने भी कई रिफॉर्म्स का काम प्रारंभ किया है और इसी रिफॉर्म के चलते हमने ये पाया कि जब ब्रिटिश के शासन के दौरान जो व्यवस्था पोस्टल विभाग की थी और आज बदलते समय के साथ ये देश के नागरिकों की आकांक्षा और अपेक्षा के हिसाब से इस नेटवर्क का जो नेटवर्क आज पूरे भारत में सबसे बड़ा ट्रस्टवर्दी नेटवर्क है, भारत सरकार का सीधा चेहरा अगर डोर स्टेप पे है, कोई चेहरा अगर कोई नेटवर्क है जो डोर स्टेप पे दिखता है तो वो पोस्टल विभाग का है। इस पोस्टल विभाग के नेटवर्क को हमने हमारी पार्टी की फिलोसॉफी के हिसाब से जो हमारे पूर्वज ने हमें संस्कार दिया है अंत्योदय की भावना, जो लास्ट माइल पे जो अंतिम छोर पे जो बैठा है उदय करने की जो भावना के साथ सरकार काम करे, तो हमने यही सोचकर अंत्योदय की भावना से ये जो ट्रस्टवर्दी नेटवर्क अंतिम छोर पे है बदल के समय के साथ हमने उसमें बहुत बड़ा रिफॉर्म्स किया और इसी रिफॉर्म्स का एक भाग है 1898 का ये ब्रिटिश राज का कानून को बदलना। ये जो कानून बनाया गया था तब हम सब ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में थे और उनका ये हैबिट था और उनका ये माइंडसेट रहा कंट्रोल करने का और इसी मानसिकता का कंट्रोल करने का माइंडसेट आफ्टर इंडिपेंडेंट 70 साल तक इस देश ने महसूस किया। हमने इस कानून में सुधार लाकर इस नेटवर्क को लास्ट माइल कनेक्टिविटी देकर लास्ट माइल में बैठा उस आदमी को कनेक्टिविटी उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से सोशियो इकोनॉमिक चेंज का एक बहुत बड़ा टूल बना दिया। हमने इस नेटवर्क के चलते जो पहले केवल मेल और लेटर देने का काम करती थी आज उस नेटवर्क से बैंकिंग फॉर ऑल, इंश्योरेंस फॉर ऑल और पूरा ट्रांसपेरेंटली, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि अगर ट्रांसपेरेंटली गवर्नमेंट को काम करना है तो टेक्नोलॉजी को आधार बनाना पड़ेगा और इसी टेक्नोलॉजी का आधार बना के हमने इस नेटवर्क के चलते हमारी सिटीजन सेंट्रिक सेवाएं हमने प्रदान करने का प्रारंभ किया है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने देता हूं कि इस सिटीजन सेंट्रिक की सेवाओं से हमने क्या क्या काम किया है। हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का रूरल में अंतिम छोर हमारी पास 164,000 पोस्ट ऑफिस है। इस 164,000 पोस्ट ऑफिस में 4 करोड़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का अकाउंट ओपन किया है और इस अकाउंट में हर लाभार्थी को जिसका राइट है वो सीधा इसका अकाउंट में मिलता है। हमने आधार का प्रोविजन किया है, हम पेंशन देते हैं। मैं कई बातें इस बारे में बोल सकता हूँ
लेकिन कुछ साथी सांसदों ने सेक्शन 9 और सेक्शन 10 के बारे में अपनी कुछ विचार, अपने सजेशन, अपना कुछ एक तरीके से ऑपोजिट भी बताया है। मैं सेक्शन 9 में ये कहता बताना चाहता हूँ कि सेक्शन 9 केवल नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक सेफ्टी के लिए ही है, और ये सेक्शन 9 नया नहीं है, पुराने एक्ट में भी आपके समय में भी ये सेक्शन था, लेकिन हमने उसको जनता के हित में, देश के हित में उसको सिंप्लीफाई किया है। और सेक्शन 10 जो है, जो लायबिलिटी की बात कर रहे हैं, उस समय पोस्ट, स्पीड पोस्ट वगैरह नहीं था, हमने उस सर्विस को आधार बना के लिए, और जो अगर लायबिलिटी की बात करते हैं तो हमारे पास रूल्स एंड रेगुलर सर्विस रूल्स है। अगर कोई विलफुली कुछ मिसशीप करता है और काम करता है तो उस पर हमें कंडक्ट रूल के हिसाब से पनिश करने का प्रावधान भी है। मैं ये मानता हूँ कि जब ये 160,000 पोस्ट ऑफिस, 164,000 पहले के ज़माने में, आपके समय में 660 पोस्ट ऑफिस बंद हो गए थे, हमने 5,000 नए खुले हैं और आगे 5,746 पोस्ट ऑफिस नए खुल रहे हैं, एक तरीके से नए बैंक खुल रहे हैं। हर 5 किलोमीटर्स में, एवरी 5 किलोमीटर में पोस्ट ऑफिस बैंक की तरह सेवा देगा और इंश्योरेंस का काम करेगा, हर सिटीजन को सिटीजन सेंट्रिक सेवा देने का कोशिश करेगा। मैं ये मानता हूँ कि आज हम जो बिल लेकर आए हैं और हमने जो रिफॉर्म्स किए हैं, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े देना चाहता हूँ कि पार्सल रिफॉर्म्स हमने जब शुरू किया, करीब करीब 36 एक्टिविटी थी, आज पार्सल रिफॉर्म्स हमारा इतना अच्छा हुआ गया है कि अभी अभी एक सांसद जी बोल रहे थे कि अमेजोन, अरे अमेजोन ने ऑलरेडी हमारे साथ एमओयू किया है, और आने वाले समय में नॉर्थ ईस्ट और पूरा हमारा एक वेस्ट बंगाल का जो रीजन है, हमारा सर्कल है, उसमें अमेजोन भी हमारे साथ फ्यूचर में काम करेगा। आने वाले समय में ये सब जानते हैं कि पोस्टल नेटवर्क का स्ट्रेंथ क्या है। हमने प्रसादम योजना शुरू की है, हमने गंगा जल योजना शुरू की है, हर कस्टमर अगर कहीं अपने घर में बैठकर कहीं से भी बाबा विश्वनाथ का, सोमनाथ का, द्वारका जी का, कहीं से भी वो प्रसाद बनाना मंगाना चाहता है तो मंगा सकता है। कोविड में हमारा विभाग ने जो काम किया है कभी नहीं सोचा था, आज हमने जो सेक्शन लेकर आए हैं वो इसी के कारण ही लेकर आया था कि फ्यूचर में अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी में वैसे ही कोई वायरस आ जाता है फ्यूचर में, या कुछ जो इलीगल ड्रग्स है, ओपीएम है, ऐसा अगर ट्रांसपोर्ट होता है तो उसको देखने का अधिकार सरकार का है, क्योंकि ये पब्लिक सेफ्टी के लिए है। आने वाले समय में ये रूल्स बनेंगे, रूल्स में भी पार्लियामेंटेरियन अपना सजेशन दे सकते हैं, हम केवल एक्ट लेकर आए हैं, और ये एक्ट नया नहीं है, जो आपका एक्ट था उसको हमने सिंप्लीफाई किया है। इसी बात के साथ मैं आपका धन्यवाद करके मेरी बात को समाप्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।